अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शायर अरमान रज़ा बलरामपुरी, राष्ट्रीय पॉलिटिकल शायर एंड उत्तर प्रदेश SMGT विनर, फर्स्ट विनर। एशियन पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यारों भरा सलाम और आप सबके लिए बहुत सारी मोहब्बतें। एशियन पत्रिका के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और साथ ही साथ एशियन पत्रिका के सभी मेम्बरान्स को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, जो हर शहर के छोटे से छोटे टैलेंट को निकाल करके वो सामने लाते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि एशियन पत्रिका यूं ही आगे पूरे भारत में छाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शायर अरमान रज़ा बलरामपुरी, शहर बलरामपुर से हूँ, और किसान आंदोलन के मुद्दे को देखते हुए आज मेरी हाज़िरी दिल्ली में हुई है। उम्मीद है जल्द ही मैं उस जगह पर पहुँचूँ जहाँ पे आंदोलन चल रहा है और वहाँ मैं अपना कुछ समय दे सकूँ, उनका साथ दे सकूँ जिनके लिए मैं आया हूँ। मैं पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि वाकिफ ना हो मुझसे। मैं अपनी शायरी के ज़रिए अपना कुछ इंट्रो देना चाहता हूँ। कहते हैं कि शहर बलरामपुर की मैं एक शान हूँ। वैसे तो मैं तर्ज में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसे ही पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि शहर बलरामपुर की मैं एक शान हूँ, मैं ही अरमान हूँ, मैं ही अरमान हूँ। आपके लब पे देखूँ अगर मैं खुशी, आपके लब पे देखूँ अगर मैं खुशी, चैन आए मुझको मुझे हो खुशी, इसलिए शायद मुझको बनाया गया, देख सकता नहीं मैं कभी बेसी, आपकी तरह ही मैं तो इंसान हूँ, मैं ही अरमान हूँ, मैं ही अरमान हूँ। ये एक छोटे से लहजे में मेरा एक इंट्रो था। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ किसान आंदोलन के लिए, तो मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है हमारे किसान भाइयों का, उनसे बस एक पैगाम, ये चार मिसरे कि मेरे भाई, अगर आप लगे हैं, आप अपना हौसला और हिम्मत वहाँ पे आजमा रहे हैं, तो इस नीयत के साथ आजमाइएगा। कहते हैं कि तीरगी को मिटा के रख देना, जहां जहां तक ये आवाज जाए मेरी, उन एक एक किसान भाइयों तक, एक एक आंदोलनकारियों तक, सुनना, तीरगी को मिटा के रख देना, एक दीपक जला के रख देना, एक दीपक जला के रख देना, दी है जिसने पनाह नफरत को, दी है जिसने पनाह नफरत को, उसकी कुर्सी हिला के रख देना, उसकी कुर्सी हिला के रख देना, तीरगी को मिटा के रख देना। ये पैगाम देने मैं शहर बलरामपुर से चल करके यहां दिल्ली पहुंचा हूं, और जल्द ही मेरी कोशिश है कि मैं वहां उस जगह पर पहुंचूं जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब महसूस करूंगा अपने आप को कि अगर मैं उन भाइयों का मैं थोड़ा सा भी साथ दे सकूं। और मैं अपने नज्म के जरिए अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं आपके बीच, मैं पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कहते हैं कि मेरी मेहनत ही तो मेरा ईमान है। जो किसान भाई हैं, वो अपने सिंपल लहजे में, एक सादे लहजे में सरकार से कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी मेहनत ही तो मेरा ईमान है, मेरा खलिहान ही तो मेरी जान है, मेरा खलिहान ही तो मेरी जान है, मुझसे बंजर जमीन भी जरखेज है। जरखेज का मीन्स होता है लहलाना, जब फसल लहलाते हैं। किसान कहता है मुझसे बंजर जमीन भी जरखेज है, हम किसानों की बस ये ही पहचान है, हम किसानों की बस ये ही पहचान है, मेरी मेहनत ही तो मेरा ईमान है। एक नज़्म पहुंचाता हूं साहब, जिंदा दिल आवाम के लिए, जिंदा दिल किसान के लिए, ये नज़्म पहुंचाता हूं। अगर अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कहते हैं कि अपने हक के लिए नौजवान उठो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों से, टिकटॉक और पता नहीं कौन कौन से ऐप हैं, इन सबसे बाहर निकल के भी मेरे भाई एक दुनिया है,
उसको पहचानो आप, उसको पहचानो और अपना हक हासिल करने के लिए वहां तक जाओ जहां तक आपको आपका संविधान इजाजत देता है। मैं पढ़ता हूं, सुनना। अपने हक के लिए नौजवानों उठो, अपने हक के लिए नौजवानों उठो, अपने हक के लिए नौजवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। अगर जागे नहीं आप, अगर आप नहीं जागे, अभी भी बेदार नहीं हुए, हमारी ये जो कौम है, हमारी ये जो भारतीय अवाम है, अभी भी बेदार नहीं हुए, तो इसका फल क्या होगा? ये चार मिसरे पहुंचाता हूं, लगे कि सच बोल रहा हूं तो अपनी धुआं से नमाजा। पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई। कहते हैं कि काम यूं ही किसी का चलेगा नहीं। हिटलर के राज में जितनी आवाजें थी दबा दी जाती थी। सुनना, काम यूं ही किसी का चलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। होना क्या चाहिए? अगर मांगने से यहाँ कुछ मिलता नहीं है तो होना क्या चाहिए? सुनना, सुना। कहते हैं कि काम यूं ही किसी का चलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो वरना बिक जाएगा कुछ बचेगा नहीं, वरना बिक जाएगा कुछ बचेगा नहीं। तो देश के बूढ़े बच्चों जवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। एक किसान जो होता है उसकी रोज की दिनचर्या ये होती है। एक आर्टिकल निकला था कि सुबह सूर्योदय होने से पहले, सूर्य की किरण उठने से पहले एक किसान उठता है ताकि वो बंजर जमीनों को जरखेज कर सके, ताकि वो बंजर जमीनों में लहलाती हुई फसल ला सके। उसकी मेहनत क्या होती है, मैं मिसरे पहुंचाता हूं, सुनना मेरे भाई। कहते हैं कि लेके हल बैल खेतों में चल देते हो, सूखे खेतों की किस्मत बदल देते हो, लेके हल बैल खेतों में चल देते हो, सूखे खेतों की किस्मत बदल देते हो, ऐसा लगता है धरती के भगवान हो, ऐसा लगता है धरती के भगवान हो, भूख प्यासों को तुम ऐसा फल देते हो, भूख प्यासों को तुम ऐसा फल देते हो, राह हम वार करने दीवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। ये एक नज्म थी जो मैंने आप तक पहुंचाई बेदार करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए मैंने ये नज्म आप तक पहुंचाई। एक किसान के दर्द, उसकी दिल की आह मैं रखना चाहता हूं। समाप्त फरमाइएगा, मैं पढ़ता हूं, सुनना। कहते हैं एक किसान का जो दर्द होता है वो बोलता क्या है अपनी नज्मों के सारी, कि देश के नाम बचपन जवानी करूं। सुनना मेरे भाई, एक एक लोगों तक जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, इस मिसरे के दर्द से जुड़ना मैं पहुंचाता हूं। कि देश के नाम बचपन जवानी करूं, देश के नाम बचपन जवानी करूं, देश के नाम बचपन जवानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं। सेकंड लाइन अपनाता हूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं। सुना,
कि सुबह से शाम खेतों में रहता हूं मैं। वो किसान जो आज यहां दिल्ली की सर्दी में सड़क पर बैठा है, वो अपनी आप बीती बताना चाहता है सरकार से। कहते हैं कि सुबह से शाम खेतों में रहता हूं मैं, जाने किस वक्त आराम करता हूं मैं, कोई परवाह नहीं सख्त मौसम का भी, कोई परवाह नहीं सख्त मौसम कभी, बस खड़ी धूप में रोज जलता हूं मैं, बस खड़ी धूप में रोज जलता हूं मैं। मैं शपो रोज सबकी सुहानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं। बहुत शुक्रिया हजरात। अगर इतनी देर से आप लोग यहां तक सुनते हुए आए हैं तो भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और लगे हाथ इस वे इस कड़ी में जो हमारी सबसे फेमस नज्म है, जो डायरेक्ट हुकूमत को बगावत देती है, जो डायरेक्ट हुकूमत को चैलेंज देती है, मेरी वो नज़म जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसको चाय वाला सुने भी कहते हैं, उसका उनवान है, यानी मैं किसी को सुनाना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ आप तक, लगे कि एक एक बात मैं सच कह रहा हूँ तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, कहते हैं कि छीना है जिसने मुंह से वाला सुने। सबसे फेमस नज़्म और सबसे पॉइंटदार नज़्म मैं आप तक पहुंचाता हूं, मेरी आवाज बनना, मैं पढ़ता हूं सुनना। कि छीना है जिसने मुंह से वाला सुने, छीना है जिसने मुंह से वाला सुने, छीना है जिसने मुंह से वाला सुने, चाय 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 वाला सुने। और बैठे हुए किसान भाइयों के लिए चार लाइन, ये चार लाइन पहुंचाता हूं सुनना। कहते हैं कि खार के दर में आही गुलाब आएगा, खार के दर में आही गुलाब आएगा, फिर से कलियों के रुख पर शबाब आएगा। आखिर की दो लाइन आपके लिए कि तुम कदम मत हटाना मेरे भाइयों, तुम कदम मत हटा ना मेरे भाइयों, देखना देखना इनकलाब आएगा, देखना देखना इनकलाब आएगा, कत्ल मजलूमों का करने वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने, चाय वाला सुने। और ये चार मिसरे सीना ठोक करके मैं पढ़ता हूं हर बज्म में, हर महफिल में, डरता किसी से नहीं, मैं पहुंचाता हूं ये चार मिसरे सुनना। वो शख्स देश को संभालने की बात करता है, वो शख्स देश को संभालने की बात करता है, ये दो मिसरे पहुंचाता हूं। अगर मैंने लगे कि मैंने सच कह दिया हो तो मैं अपनी दुआओं से नवाजना, मैं पढ़ता हूं। कहते हैं कि दो कदम जिंदगानी की चल ना सकी, सुनना मेरे भाई ये मिसरे कान खोल करके, कि दो कदम जिंदगानी की चल ना सकी, तेरी बीवी भी तुझसे संभल ना सकी, तेरी बीवी भी तुझसे संभल ना सकी, मुल्क क्या संभलेगा उससे दोस्तों, मुल्क क्या संभलेगा उससे दोस्तों, मुल्क क्या संभलेगा उससे दोस्तों, एक कली जिसके हाथों से खिल ना सकी, एक कली जिसके हाथों से खिल ना सकी, कत्ल मक्तूल का करने वाला सुने, चाय 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 वाला सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।